प्रदेश में युवा कांग्रेस की कमान विक्रांत भूरिया के हाथों में आने के बाद अब एक बार फिर वंशवाद को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता करने की बात कही है। देखें ये रिपोर्ट। भाजपा यूं तो कई बार कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर निशाना साधते रही है, लेकिन विक्रांत भूरिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। बाद से कांग्रेस हटी नहीं सकती है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का, दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव यहाँ भूरिया, वहां आदरणीय सोनिया। कांग्रेस शुरू से नेहरू के समय से नेहरू परिवार की चाटुकारिता करने वालों की पार्टी है। चाहे नेहरू जी का मामला हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी या प्रियंका जी का मामला हो, परिवारवाद और जिस प्रकार से साम्राज्यवाद चलता है उसकी पराकाष्ठा है कांग्रेस में। राहुल गांधी एक नेता के बेटे हैं, वो राजनीति में आए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब राहुल गांधी जैसे कम योग्यता वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है केवल इसलिए कि वो नेहरू परिवार के हैं, तो फिर बाकी परिवारवाद और जगह क्यों नहीं होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि वो कांग्रेसी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के विस्तार में अपना जीवन लगाया, वो कांग्रेस पार्टी में कहीं भी नहीं है। केवल और केवल परिवारवाद, और परिवारवाद के माध्यम से पार्टी चलाना, यही कांग्रेस की परिपाटी है। भाजपा की कसे इस तंज का कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया और भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता करने की बात कही। वो अपनी चिंता करें, हम लोग हम अपनी पार्टी की चिंता करेंगे। कौन हमारे पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये उनका विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक वंशवाद की बात है, तो पता लगा लीजिए कि बीजेपी के नेताओं के भी पुत्र लाइन में लगे हैं कि नहीं। बहरहाल वंशवाद को लेकर जारी इस सियासी बयानबाजी का सिलसिला कब थमेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।